हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो विल बी इन हिंदी लैंग्वेज एंड टॉपिक इज रीड अ लेक्चर एंड समराइज स्पोकन टेक्स्ट। इन दोनों में एक कॉमन बात यह है कि आपको एक ऑडियो सुनाई देता है और जब आप ऑडियो सुनते होते हो तब आपने की पॉइंट्स को नोट डाउन करना होता है। रीटा लेक्चर के केस में आपके पास 10 सेकंड्स होते हैं जब ऑडियो ख़त्म हो जाता है, देन आफ्टर आपकी 40 सेकंड्स के लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में आपको 10 मिनट्स मिलते हैं और उसके अंदर आपको मिनिमम 50 एंड मैक्सिमम 70 वर्ड्स में समरी लिखनी होती है। सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत बच्चों को जो आती है वो आती है नोट्स कैसे बनाएं। कई बच्चों के पास नोट्स बनाने का अच्छा तरीका नहीं होता है। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाऊंगा या बनाऊंगी तो मेरे अच्छे स्कोर्स आएंगे। ऐसा नहीं होता है गाइस। कैसे नोट्स बनाने हैं, कीवर्ड्स लिखने हैं, लाइन्स को कैसे बोलना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। मेन टॉपिक मैं इसके अंदर ये कवर करूँगा कि हमने नोट्स बनाने कैसे हैं। रीटा लेक्चर और समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में आपके पास टेम्पलेट होगा। अगर टेम्पलेट नहीं भी आया तो आप सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन मेक श्योर कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रीटा लेक्चर की और दूसरी बात करेंगे हम समराइज स्पोकन टेक्स्ट की। एंड आई एम श्योर आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। रीटा लेक्चर के केस में जो कि ये एक स्पीकिंग का सेक्शन है, इसके अंदर स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग के भी स्कोर्स होते हैं। आता ये स्पीकिंग मॉड्यूल में है लेकिन इसके अंदर जो स्कोर्स हैं वो लिसनिंग के भी हैं साथ में। ऑडियो प्ले होगा, आपके पास प्रेपरेशन टाइम जो होगा वो 10 सेकेंड्स होगा, मिनट्स नहीं 10 सेकेंड्स। और आपको जो बोलना है रिकॉर्डिंग टाइम जो है आपके पास वो 40 सेकंड्स होगा, राइट? अब 40 के 40 सेकंड्स तक बोलने की जरूरत नहीं है, 20 टू 25 सेकंड्स बोल दो विद गुड ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, आपको अच्छे स्कोर्स हासिल हो सकते हैं। ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन की मैं बात करूंगा, तीन फैक्टर इसके अंदर आपको देखने पड़ेंगे, कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। ये तीन चीजें आपकी चेक हो रही हैं इसके अंदर। कंटेंट का मतलब होता है डेटा और कीवर्ड्स जो आप इकट्ठा करोगे, जो कि ऑडियो में स्पीकर बोलेगा, अगर आप उसको इकट्ठा करके बोल पाओगे कीवर्ड्स तो ही आपके अच्छे स्कोर्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन का मतलब है, ओरल फ्लुएंसी का मतलब है कि कौन सी स्पीड में आप बोल रहे हो, ज़्यादा तेज मत बोलना, मॉडरेट स्पीड में बोलना। कई बच्चे क्या करते हैं, अपने मन के तसल्ली के लिए तेज बोलना शुरू कर देते हैं, हैंस वो रुकना शुरू कर देते हैं, जब आप रुकोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है? सो इस तरीके से आपने इसको करने की कोशिश करनी है। प्रोनाउंसिएशन मीन्स क्लैरिटी, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप क्लियर नहीं बोलोगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे, ठीक है? क्लैरिटी तो कैसे, ना ज़्यादा तेज बोलने से नंबर आते हैं ना ज़्यादा स्लो बोलने से, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस से बोलना है। ये तो हमारा हो गया रीटा लेक्चर। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना है, आपने 20 और 25 सेकंड्स ही आपने बोलने की कोशिश करनी है, ठीक है? समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो कि एक लिसनिंग का सेक्शन है, लिसनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, अप्रॉक्सीमेटली 1 और 2 क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर भी 1 और 2 क्वेश्चन आएंगे, लिसनिंग का पार्ट है, लेकिन ये राइटिंग के भी स्कोर लेके बैठा हुआ है। मतलब ऑब्वियस बात है, देखो समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में आप सुन रहे हो, देन आफ्टर यू आर राइटिंग, तो इसलिए लिसनिंग प्लस राइटिंग के स्कोर इसके अंदर होते हैं। 10 मिनट्स मिलते हैं आपके पास और आपको कीवर्ड्स जो लिखने होते हैं इसके अंदर वो मिनिमम 50 और मैक्सिमम 70। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना है, ग्रामर मिस्टेक ना हो, मोस्टली बच्चे करते हैं, स्पेलिंग्स हो गए, वो कैप अगर नहीं आती है तो मत लिखना, और फुल स्टॉप, यूज ऑफ फुल स्टॉप, कॉमा,
बड़े बड़े सेंटेंसेस जो बना रहे हो, लेकिन अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता उसको धक्के से मत लिखो। ये तो हमारे बेसिक चीजें होगी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमारा रीटा लेक्चर और समराइज स्पोकन टेक्स्ट में बेनिफिट क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोट्स बनाने की। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं आपके सामने एक ऑडियो प्ले करूंगा और आप भी नोट्स बना सकते हैं मेरे साथ। रेडी हो जाओ कॉपी पेन लेके, अगर कॉपी पेन नहीं लिया है तो, क्योंकि एकदम आपको यूट्यूब के ऊपर ऐसा माहौल क्रिएट कर दूंगा मैं, ऐसा लग रहा है कि आप मुझे लाइव देख रहे हो। ऑब्वियस बात है लाइव बातें हम कर रहे हैं। कॉपी पेन ले लो आप, और हमारी वेबसाइट है, आप इसके ऊपर विजिट कर सकते हो www.nikhilpte.com। गूगल पर सर्च करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देर आर वेरियस पैकेजेस, अनलिमिटेड पैकेज भी है जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 1 मंथ की मॉक टेस्ट भी है, और कई बच्चों ने हमारी वेबसाइट के ऊपर जितना स्कोर हासिल किया है रियल एग्जाम में भी उनका उतना आया हुआ है। हम डालते रहते हैं। ये जो हमारी वेबसाइट है आपको अप्रॉक्सीमेटली स्कोर, नियरली एक्यूरेट स्कोर देगी, 5-10 नंबरों का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी डिपेंड करता है कि आप क्या परफॉर्म करोगे। तो मैं अब ऑडियो प्ले करने वाला हूं। हमारा पहला फर्स्ट प्लान क्या है कि हमने क्या करना है, हम कीवर्ड्स इकट्ठे करेंगे। दूसरा, अगर लाइंस हमारे से लिख पाते हैं तो हम लाइंस इकट्ठे करेंगे। तीसरा, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई चीज मिस हो जाती है कोई दिक्कत नहीं, अगर फर्स्ट लाइन स्पीकर बोल रहा है और दूसरी मिस हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने कौन सा कह दिया कि भाई आप पूरा बोलो, नहीं कहा है ना, उसने कौन सा पूरा कह दिया कि भाई आप पूरा बोलो तो हम आपको नंबर देंगे। तो मैं अभी ऑडियो प्ले करने वाला हूं, आप भी सुनिएगा। हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ये सारी ऑडियो मिल जाएगी। Omen turbine is a device that will convert wind into mechanical movement, which we can use to power water pumps or electricity generators. Now, the power that the turbine creates is obviously dependent on the wind speed. It also depended obviously on the number of sails, the area of the sails, and the angle of the sails made to the wind. So you can imagine if the turbine blades flat onto the wind, the wind's going to just bend it if there is a slight angle when the wind hits it. It's going to turn the blades. We can use it for powering things. Now, we're going to have a go making some of the very, very simple paper windmills, a sort of things that you can make from the bits and pieces lying around the home, and use that to drive a very small generator to power electronic devices. So, ये मैंने की पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन कर लिए हैं, ठीक है। ये जो लेक्चर था वो सिर्फ 48 सेकंड्स का था, मैंने अभी देखा, ओनली 48 सेकंड्स। तो कौन से और कितने कीवर्ड्स इकट्ठे कर लिए, 1, 2, ये सारा एक कीवर्ड है। दूसरा कीवर्ड हो गया पावर डिपेंड्स ऑन वाइंड स्पीड, ये तीसरा मैंने पूरी लाइन इकट्ठी कर ली। ये मैंने क्या लिखा, कई बार आप भी भूल जाओगे, एंगल ऑफ सेल्स, ठीक है, ये मुझे वर्ड भूल गया, समझ नहीं आ रहा राइटिंग में। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि क्या लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड ऑन लेक्स, ये 4th हो गया, ये 5th हो गया। मेकिंग सिंपल वाइंड मिल्स, 6 हो गया। ड्राइव टू स्मॉल जनरेटर, 7 हो गया, और 8 हो गया। 8 की पॉइंट्स प्लस लाइंस मैंने दोनों का मिक्सचर करके इकट्ठा कर ली, ओके। तो अब देखो मैंने किया क्या है कि ये सारी जो चीजें हैं, अब आपके माइंड के अंदर ये आएगा कि इतनी 8 कीवर्ड्स हैं तो क्या हम इससे अच्छा स्कोर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, ये इतने कीवर्ड्स बहुत हैं। वी हैव टू स्पीक ओनली 20 or 25 सेकेंड्स इन द केस ऑफ रीटेल लेक्चर, बट इफ वी विल टॉक अबाउट समराइज स्पोकन टेक्स्ट यू शुड यूज द टेम्पलेट, obviously you should use the template so that you can complete your keywords between 50 to 70 words, it depends, ठीक है ना। तो हमारा आज जो टेम्पलेट है उसके अंदर ही 30-35 कीवर्ड्स होते ही हैं, या मान के चलता हूँ मैं 30 कीवर्ड्स होते हैं। सिर्फ 20 कीवर्ड्स क्या आपको इसमें अंदर नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। हम अपने समराइज स्पोकन टेक्स्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं रीटा लेक्चर की। रीटा लेक्चर के केस में आपके पास ये सारे कीवर्ड्स इकट्ठे हो गए,
ठीक है जी। अब जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे कीवर्ड्स बोलने हैं, जो आपको सुनाई देता है उसको लिखते जाओ, जो कि मैंने लिखा। सिर्फ 48 सेकंड्स में मैंने ये लेक्चर प्ले किया था, कम। अगर बड़ा होता लेक्चर तो मैं और भी इकट्ठे कर पाता, लेकिन ये सारे कीवर्ड्स मैंने कैसे इकट्ठे किए, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। अब आप पहले ही दिन अपने आप को जज करने लग जाओगे तो नंबर नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर अगर आपके पास ये कीवर्ड्स इकट्ठे नहीं हो रहे, विच मीन्स आपकी लिसनिंग ही इंप्रूव नहीं है, तो आप पहले लिसनिंग को इंप्रूव करो। 1-2-3 दिन लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बोल लो कि कैसे, सिंपल आप टेम्पलेट यूज कर लो, आप कोई भी यूज कर सकते हो। द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन, यहां पर टॉपिक आ गया, ठीक है। द स्पीकर mentioned, मैं अक्सर यहां पर कीवर्ड डाल दो, ही और शी आगे बोल दो, ये शी था। शी एक्सप्लेन्ड, शी सेड दैट, शी बोल दो, शी डिस्कस्ड, ठीक है ना। टू कंक्लूड, और ये बोल दिया बस। अब इसको इसके अंदर भरना शुरू कर दो। द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन वाइंड टर्बाइन, विंड टर्बाइन, वाइंड टर्बाइन, कोई बात नहीं। अगर कोई वर्ड गलत हो जाता है कोई दिक्कत नहीं। अगर को कि आपको पता ही नहीं लग रहा टॉपिक क्या है तो कोई भी बोल दो, आप सिंपल बोल दो जनरेटर, जनरेटर भी तो एक कीवर्ड ही है, ठीक है ना। द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन वाइंड टर्बाइन, द स्पीकर मैंशन मैकेनिकल मूवमेंट एंड पावर डिपेंड्स ऑन द वाइंड स्पीड, शी एक्सप्लेन्ड एंगल ऑफ सेल्स एंड डिपेंड ऑन लेग्स, शी सेड दैट मेकिंग सिंपल वाइंड मिल्स ड्राइव टू स्मॉल जनरेटर, शी डिस्कस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टू कंक्लूड दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन वाइंड टर्बाइन। क्या दिक्कत है, दिक्कत बोलो, दिक्कत अब बताओ। अब देखने में आपको बहुत ईजी लग रहा है, कई बच्चे यूट्यूब की वीडियोज देख कर मेरे अच्छा स्कोर हासिल कर चुके हुए हैं। कॉमेंट पढ़ा करो, मोटिवेट किया करो अपने आप को। और कई बच्चों को दिक्कत भी आती है, उनको कोचिंग लेनी पड़ेगी। अपना लेवल समझो फिर एग्जाम देने जाओ। अगर आप भी यही देख रहे हो कि अगर वो बच्चा यूट्यूब के वीडियो के जरिए अच्छा स्कोर हासिल कर रहा है कि भाई मैं भी करूँगा, आपका लेवल ही नहीं बन रहा तो भाई कैसे करोगे, ठीक है ना। तो आप इसी टेम्पलेट को चाहे इसके अंदर यूज कर सकते हो, समराइज स्पोकन टेक्स्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। अब कीवर्ड्स कैसे इंप्रूव करने हैं, देखो वैसे तो आप अपना टेम्पलेट यूज करते ही हो, ठीक है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आपने कीवर्ड्स कहां गया डस्टर। हाँ, कीवर्ड्स कैसे यूज करने हैं। अब देखो ये कीवर्ड्स हो गए। अब कितने कीवर्ड्स हैं, ये मान के चलो, ये देखो कितने कीवर्ड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 कीवर्ड्स हैं। अब क्या मैं इसके आगे, अगर इसके द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन दिस आ गया, यहाँ पर फुल स्टॉप का ध्यान में रखना है। अभी इज, आर, एम, ऑफ, डैड, वो भी कंजंक्शन भी इसमें ऐड होंगे। शी एक्सप्लेन्ड, शी सेड दैट, ये 13 आ गया, ये 15वां हो गया, 17 हो गया, सॉरी 17 कीवर्ड्स हैं। अब इसको कैसे इंप्रूव करना है, अगर आपके इस टेम्पलेट में कीवर्ड्स हैं ज़्यादा हैं 20 और 25, ये तो मैंने सिंपल लिखा है, ठीक है ना। तो जब हम समराइज स्पोकन टेक्स्ट का टेम्पलेट यूज करते हैं, थोड़ा सा कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर मैंने मोर ओवर लगा दिया, मोर ओवर एक कीवर्ड बढ़ गया, प्रॉबिंग फर्दर लगा दिया इसके आगे, दो कीवर्ड्स और बढ़ गए, फर्दर मोर लगा दिया, ठीक है ना, हाउ एवर लगा दिया, ठीक है। तो आपके कितने कीवर्ड्स बढ़ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कीवर्ड्स और बढ़ गए, 22 हो गए टोटल, 22 वर्ड्स का मैंने आपको टेम्पलेट दे दिया। ये सिंपल की बात कर रहा हूँ। कई बच्चे पूछते हैं ना कि सर क्या हम रीटेल लेक्चर का टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो, देखो कई जगह पर कर सकते हो, कई जगह पर नहीं, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप लिखते कैसे हो। वैसे तो आजकल के टाइम के ऊपर सभी के पास होता ही है, सिंपल लाइन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ही द स्पीकर ऑल्सो, ऑल्सो एक कीवर्ड लगा सकते हो इसके अंदर, शी ऑल्सो एक्सप्लेन्ड, ऐसे बढ़ा सकते हो, वो डिपेंड करता है। मैं सिर्फ टेम्पलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मेन मुद्दा जो था
कीवर्ड्स कैसे इकट्ठे करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। प्लस अगर आपका मान लो कीवर्ड्स डालने के बाद भी, ये देख लो कितने कीवर्ड्स हैं, हम ये तो मैंने वो लिखा ना, कीवर्ड्स देखते हैं कितने हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25 कीवर्ड हैं, 25 और 25 कितना हो गया, 47 हो गया, 47 कीवर्ड्स तो यही हो गए हमारे। अगर मैं इसका भी यूज करूं, इसका भी यूज करूं, 50 मार्क को चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, जब आप कोई टेम्पलेट का इस्तेमाल करोगे उसके अंदर ये भी यूज करोगे, ऑल्सो हो गया, ठीक है ना, ऐसे ही और कीवर्ड्स, मतलब अकेला है वो बात नहीं है कि आप कोई भी टेम्पलेट यूज करो, डजंट मैटर, लेकिन आप अच्छे ढंग से यूज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको खुल के बता दिया है कि रीटेल लेक्चर के केस में आपने कौन सा ध्यान रखना है और राइटिंग के केस में कौन सा। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोचिंग लेने के लिए सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन कोचिंग के जरिए घर घर में हमने कोचिंग पहुँचा दी है, हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में कोचिंग, क्वालिटी अच्छी होगी, बच्चे को पूरा निचोड़ देंगे, बता देंगे कि भाई तेरा इस तरह से स्कोर नहीं आता, क्यों नहीं आ रहा स्कोर, काफ़ी बार पेपर दे चुके हो, स्कोर कार्ड भेजो व्हाट्सएप के ऊपर, हम आपको जज करेंगे, कंसल्ट हमारा कंसल्टेंट जो है आपको हेल्प करेगा, टीम मेंबर्स आपकी हेल्प करेंगे, जहां पर हमारे इतने अच्छे स्कोर आ रहे हैं बच्चों के, आपके भी आ सकते हैं। तो अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो तो टाइम और पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो, एक बार अच्छी कोचिंग लेकर पेपर दो और पेपर निकाल दो, बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आए जिनकी इंग्लिश बिल्कुल वीक थी, लेकिन उन्होंने भी हमारी ट्रिक्स के जरिए अच्छे स्कोर्स हासिल किए हैं। सर ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था, आपने मुझे कोचिंग दी बहुत बढ़िया, उसके जो टेम्पलेट्स है ट्रिक्स है वो बहुत अच्छे है, आपने वो कोचिंग दी थी आप, हाँ। तो फिर लगने लगा था कि भाई हाँ हो सकता है अभी आ सकते हैं मार्क्स। सर 12 या 13 दिन की, सर 12 या 13 दिन में आपने 7 इंच हासिल कर लिए। आपके भी वहाँ से जरूर आए।